हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्रिक्स। सो आज हम फ्रिक्शन के जो ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन दिस सम स्टेप्स आर देयर दैट यू हैव टू फॉलो। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल होंगे। तो पहला स्टेप ये है कि कंसिडर सिस्टम इज मूविंग with an acceleration a। ठीक है, तो हमको जो भी ब्लॉक्स दिए होंगे, दो तीन जितने भी ब्लॉक्स दिए होंगे, वो सारे के सारे ब्लॉक्स एक साथ मूव हो रहे हैं ऐसे कंसिडर करना है। सेकेंड स्टेप इसमें, बाय यूजिंग दिस एक्सेलरेशन फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। अब इसी एक्सेलरेशन का यूज करके हमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है बिटवीन द ब्लॉक्स। अगर ठीक है, अब अगर ये फोर्स निकाला, फ्रिक्शनल फोर्स निकाला, तो थर्ड स्टेप पे जाएंगे अपन और बोलेंगे क्या कि इफ इफ फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड स्टेप में दो है, दो स्टेप्स हैं। इफ जो फ्रिक्शनल फोर्स निकाला है हमने सेकंड स्टेप से, वो लेसर देन और इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, राइट, दिस इज बिटवीन द ब्लॉक। अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वॉट एवर वी कंसिडर्ड इज ट्रू, एंड हम कंसिडर करेंगे कि वो दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ मूव हो रहे थे। सो दिस इंडिकेट्स वॉट एवर वी कंसिडर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो वॉट एवर वी कंसिडर्ड इज करेक्ट। और जो सेकंड होगा, इफ एफ टू जो फ्रिक्शनल फोर्स निकाला है हमने सेकंड स्टेप से, इज लेस ग्रेटर देन एफ एल, ये भी बिटवीन द ब्लॉक ही होना चाहिए। अब बिटवीन द ब्लॉक मतलब फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड, किस कोई भी ब्लॉक निकाल लो और अकॉर्डिंगली देखो, दैट मीन्स वॉट एवर वी कंसिडर्ड इज रॉन्ग। वॉट एवर we considered is wrong। ठीक है, तो हमने जो भी कंसिडर किया था वो सब रॉन्ग हो गया है ना। तो ये चार स्टेप, ये दो तीन जो स्टेप्स है वो अगर फॉलो करोगे तो 100% मैं बताता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम का वो आपसे फंसेगा नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल, दो एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ इसको। तो पहला एग्जांपल ये ले लेता हूँ, कितने भी ब्लॉक हो, कितने भी फोर्सेस हो, इसी स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो मैं पहला एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया सपोज टू बी 10 न्यूटन। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले रहा हूँ 0.5। ठीक है, तो पहले कंसिडर क्या करना है, पहले कंसिडर करना है कि भाई ये जो सिस्टम है वो तो एक्सेलरेशन ए से मूव हो रहा है। तो चलो फिर फर्स्ट स्टेप आंसर में, फर्स्ट स्टेप में निकाल रहा हूँ, तो ये एक्सेलरेशन ए से मूव हो रहा है, तो नेट फोर्स 10 डिवाइडेड बाय वॉट एवर टोटल मास इज 5। सो इससे मुझे एक्सेलरेशन आ गया 2 m/s². सेकेंड, इसी एक्सेलरेशन से फोर्स निकालो। अब ये देखो 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो 2 kg ब्लॉक इधर मूव होता, तो 2 kg के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, राइट ना। 10 न्यूटन जो फोर्स है इस तरफ लग रहा है, मतलब टूवर्ड्स राइट। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो 10 न्यूटन फोर्स की वजह से 2 kg ब्लॉक है वो राइटवर्ड में होता, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड लगता। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर राइटवर्ड लग रहा है। तो कोई भी ब्लॉक लो और फ्रिक्शन फोर्स निकालो, तो मैं 2 kg का ब्लॉक ले लेता हूँ। तो 2 kg का ब्लॉक ले लिया मैंने, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, 10 न्यूटन आगे की तरफ, और एक्सेलरेशन जो हमने निकाला है फर्स्ट स्टेप से
वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बस इससे निकालो 10 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो यहाँ से मुझे फ्रिक्शनल फोर्स आया 6 न्यूटन। अब क्या करना होगा हमको, अब निकालना है हमको कि भाई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। तो अब देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगर निकालूंगा मैं FL, वो हो जाएगा म्यू एस इंटू द नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एस दिया है 0.8 इंटू नॉर्मल रिएक्शन एज यू कैन सी 20 न्यूटन। सो इफ यू कैलकुलेट इट इज 10 न्यूटन एंड एज यू कैन सी दिस एफ एंड दिस एफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसमें फर्स्ट हमको सेटिस्फाई हो रहा है जो 6 न्यूटन है विच इज़ लेसर दैन 10 न्यूटन है, तो दिस इज पॉसिबल। हम क्या बोलेंगे कि भाई ये पॉसिबल है, वॉट एवर वी कंसिडर इज करेक्ट। तो देयर फॉर वी कैन से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg एंड दैट इज इक्वल टू वॉट एवर वी कंसिडर दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज करेक्ट वन ओनली एंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इज 10 सॉरी इट्स नॉट 10 इट इज 6 न्यूटन राइट ना 6 न्यूटन ठीक है। Why 6 न्यूटन? Because frictional force is a self-adjusting force we can say and it adjusts itself to the applied force we can say, isn't it? Adjusts itself to the applied force. तो जीरो से लेके limiting वाले frictional force तक वो क्या कर सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है। तो ये फर्स्ट हो गया। लाइकवाइज अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 एंड 3 kg लिया और 10 न्यूटन लगाया, तो मैं अभी सेम लेकिन इसके ऊपर मैं 2 kg लेता हूँ सपोज, फिर 3 kg लेता हूँ सपोज, और इसके ऊपर अब मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की जगह पर मैं 50 न्यूटन लगाता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं म्यू एस ले रहा हूँ 0.5 ही ले रहा हूँ, पिछले वाला ही डाटा, बस मैंने जो फोर्स है वो बढ़ाया बस ठीक है। तो अब देखो अब इस क्वेश्चन में कैसे करना होगा, तो इस क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। कितना भी फोर्स दिया हो हमको थोड़ी ना पता है कि वेदर दिस इज मूविंग सेपरेटली और टुगेदर राइट। तो ये ब्लॉक हमको सब टुगेदर ही कंसिडर करना है, सिस्टम जो है 2 kg 3 kg का टुगेदर मूव करना है, कर रहा है ऐसे समझना है। तो पहला स्टेप तो मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ इससे, 50 डिवाइडेड बाय अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्टेप से मैं निकालूंगा कि भाई इसी एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन फोर्स, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू, अब ये 2 kg वाला ब्लॉक राइटवर्ड लगेगा तो 2 kg के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लगेगा और 3 kg के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा है तो बस मैं निकाल रहा हूँ 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन। सो थर्ड स्टेप में लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालेंगे तो वो तो 10 न्यूटन ही रहेगी, 0.5 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हमको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स नेवर एग्जिस्ट्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू। तो वॉट एवर वी कंसिडर्ड इज रॉन्ग, सो एज हम कंसिडर करेंगे कि एफ इज ग्रेटर देन FL, सो वी कैन से सेकेंड स्टेप मतलब थर्ड का सेकेंड पार्ट आ गया यहाँ पर, तो वॉट वी कंसिडर इज रॉन्ग दैट मीन्स दिस 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, सो देयर फोर द ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली ठीक है। अगर ये सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ये 2 kg के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और वो कितना है 10 न्यूटन और इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ए 2 kg लिख रहा हूँ, तो ए 2 kg हो जाएगा 50 जो अप्लाइड फोर्स है माइनस 10 फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं 40 डिवाइड बाय 2 निकालूँ तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो ये पहला हो गया, और सेकेंड इसमें ही अगर मैं 2 kg हो गया तो दूसरा कौन सा है 3 kg। अब 3 kg के ऊपर देखूँ तो बस फ्रिक्शनल फोर्स लगा इस डायरेक्शन में वो तो 10 न्यूटन होगा और ये 3 kg होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg में लिखूँगा कि भाई 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अब कोई भी सिस्टम दिया हो, कितने भी ब्लॉक्स दिए हो, अगर आप इस 4 स्टेप को फॉलो करोगे तो आप इसको आराम से निकाल पाओगे। और इस और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी भी प्रॉब्लम में
अगर सपोज भी आपको कोई बुक का क्वेश्चन हो जो कि आपको इस स्टेप से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस बुक का ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है सर, इस स्टेप से मैं वो क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच।